नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सबसे पहले हम आज बात करते हैं नए संसद भवन की। 2047 के नए भारत की नींव रखने के लिए अब संसद भवन पूरी तरह से तैयार है। वहीं पुराना संसद भवन अब इतिहास के पन्ने में दर्ज हो जाएगा, लेकिन नई संसद में आज से नया आगाज होगा। पीएम मोदी संविधान की किताब लेकर जब सदन में पहुंचेंगे, नया इतिहास लिखा जाएगा। भारतीय राजनीति के इतिहास में आज का दिन ऐतिहासिक होने वाला है। 18 जनवरी 1927 को पुरानी संसद बिल्डिंग बनकर तैयार हुई और आज 19 सितंबर को इसकी विदाई होने जा रही है। नए संसद भवन में आज से विशेष सत्र की शुरुआत होने जा रही है। पुरानी संसद में थोड़ी देर में लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों की जॉइंट फोटो शूट होगी। ग्रुप में 3 अलग अलग फोटो ली जाएंगी। पहली फोटो में लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य तो दूसरे फोटो में सभी राज्यसभा सदस्य मौजूद रहेंगे। तीसरी फोटो में सिर्फ लोकसभा के सदस्य होंगे। सुबह 11 बजे पीएम मोदी संसद के सेंट्रल हॉल पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री के साथ वरिष्ठ मंत्री और लोकसभा और राज्यसभा के सांसद होंगे। इस दौरान सेंट्रल हॉल में एक कार्यक्रम होगा जिसमें 2047 तक भारत को समृद्ध राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया जाएगा। पीएम सेंट्रल हॉल से संविधान की कॉपी लेकर नए भवन तक पैदल जाएंगे। सभी एनडीए सांसद पीएम मोदी के पीछे पीछे चलेंगे। ठीक 1:30 बजे नए संसद भवन में कार्यवाही शुरू हो जाएगी। वहीं राज्यसभा की कार्यवाही दोपहर 2:15 बजे से शुरू होगी। नई संसद बिल्डिंग में पहली बैठक के दौरान जब सांसद संसद भवन में प्रवेश करेंगे तो उन्हें उपहार स्वरूप 75 रुपए का चांदी का एक सिक्का भी दिया जाएगा। सभी सांसदों को भारत के संविधान की एक प्रति भी भेंट स्वरूप दी जाएगी। संसद का विशेष सत्र कल से शुरू हो चुका है। अब बारी है नए भारत की नई संसद में प्रवेश करने की। विशेष सत्र का आज जो दूसरा दिन है, नए संसद भवन में कार्यवाही शुरू होगी। उससे पहले फोटोशूट होगा। बता दें आपको, फोटोशूट के बाद सारी फॉर्मेलिटीज पूरी की जाएंगी और उसके बाद कार्यवाही दिन में शुरू होगी। और हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी अनूप जुड़ गए हैं। अनूप, वक्त आ गया है अब पुरानी संसद को अलविदा कहने का, बस कुछ देर और। बिल्कुल, देखिए जितने भी सांसद हैं उसके लिए आज का दिन जो है वो बहुत ही भावनात्मक रहने वाला है, क्योंकि ऐसे तो अगर कार्रवाई के दृष्टिकोण से देखें तो कल ही जो पुराना जो संसद भवन था वो आखिरी दिन था, लेकिन आज सेंट्रल हॉल में एक विशेष कार्यक्रम है। उससे ठीक पहले कह सकते हैं थोड़ी देर में सारे सांसदों का जमावड़ा सेंट्रल हॉल के सामने हो जाएगा और वहां पर एक कंबाइन फोटो शूट होगा, एक यादगार के लिए, याद के लिए कि किस तरीके से ये जो पुराना संसद भवन था वो कितना यादगार क्षणों को लेकर के रखा हुआ है। और 11 बजे से सेंट्रल हॉल में ही एक विशेष कार्यक्रम भी आयोजित की गई है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का खुद संबोधन होगा। जाहिर सी बात है उसमें वो याद करेंगे संसदीय इतिहास को। इसके अलावा जो पुराने संसद भवन से जुड़ी हुई यादें हैं उनको याद किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा उपराष्ट्रपति, इसके अलावा सदन लोकसभा में विपक्ष के नेता, राज्यसभा में विपक्ष के नेता, राज्यसभा में सदन के नेता के अलावा 3 और नेताओं को इस समारोह में बोलने का मौका दिया जाएगा, जिसमें मेनका गांधी हैं जो सबसे ज़्यादा वक्त तक सांसद रही हैं लोकसभा में। इसके अलावा डॉक्टर मनमोहन सिंह जो कि पूर्व प्रधानमंत्री हैं, वो राज्यसभा के सबसे ज़्यादा समय तक रहने वाले सांसद हैं। इसके अलावा सीबू सोरेन जो कि जेएमएम के हैं, उनको भी मौका दिया जाएगा राज्यसभा और लोकसभा मिलाकर के, वो सबसे वरिष्ठ सांसद है। तो कह सकते हैं कि भव्य कार्यक्रम आज सेंट्रल हॉल में 11 बजे से शुरू होगा और उसके बाद
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद संविधान के कॉपी को लेकर के वो पुराने संसद भवन से नए संसद भवन में प्रवेश करेंगे पैदल चल करके, और उनके साथ सारे सांसद जो हैं उनके साथ पीछे पीछे वहां जाएंगे, और उसके बाद कह सकते हैं कि औपचारिक तौर पे नए संसद भवन में कामकाज की शुरुआत हो जाएगी। 1:15 बजे लोकसभा की कार्रवाई शुरू होगी, वहीं 2:15 बजे राज्यसभा की कार्रवाई शुरू होगी। और वाकई ये ऐतिहासिक पल होगा, क्योंकि जिस तरीके से कल केंद्रीय कैबिनेट ने महिला आरक्षण बिल को मंजूरी दी है, तो जाहिर सी बात है कि अब जो है महिला आरक्षण बिल को पेश किया जाएगा और सरकार की कोशिश होगी कि इस बिल को जल्द से जल्द पास करा लिया जाए। जी जी जी, देखिए नई संसद से श्री गणेश जो है किया जा रहा है आज। हम माने अनूप, ऐसा नई संसद से आधी आबादी को बड़ा तोहफा। बिल्कुल, जो देश की आधी आबादी है, कहीं ना कहीं ये कोशिश बहुत पहले से 27 साल का वक्त हो गया है। देखिए HD देवगौड़ा के शासनकाल में महिला आरक्षण बिल को पेश किया गया था, और उस वक्त से लेकर आज तक संसद के गलियारों में ही ये बिल जो है वो घूमता दिख रहा है। सरकारें आई और हर सरकार ने अपने अपने तरीके से कोशिश की। देखिए अटल बिहारी वाजपेयी ने भी अपने तरीके से कोशिश की कि इस बिल को पास करा लिया जाए। इसके अलावा जो पूर्ववर्ती सरकार UPA सरकार है, उन्होंने भी कोशिश की। और आपको बता दूं कि 2010 में इसको राज्यसभा से बहुत ही कह सकते हैं कि तकरार के माहौल पे, बहुत ही हंगामे के माहौल पे पास भी करा लिया गया था, लेकिन किसी वजह से इसको लोकसभा में नहीं लाया गया, स्टैंडिंग कमेटी में भेज दिया गया। सरकारें अपने तरीके से कोशिश करती रही है कि ये बिल पास करा लिया जाए। सबसे बड़ी बात बता दूं कि इस बिल को लेकर सत्ता पक्ष और खास तौर पे विपक्ष में कांग्रेस इस बिल का समर्थक रही है, बहुत पुराने वक्त से समर्थक रही है। बावजूद इसके कुछ छोटे छोटे दलों ने विरोध किया, जिसकी वजह से ये बिल पास नहीं हो पाया। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस बिल को केंद्र सरकार किस तरीके से लाती है, और सरकार की कोशिश होगी कि इस बिल को सर्वसम्मति से दोनों सदनों में पारित करा करके ये जो विशेष सत्र बुलाया गया है इसको ऐतिहासिक बनाया जाए। वाकई देखिए ऐतिहासिक तो बनेगा ही बनेगा अनूप। आज हमने कल की तस्वीरें अनूप देखे थे कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़ी भावुक होकर के अपनी स्पीच दे रहे थे। उनका बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था इस पुरानी संसद को छोड़ने का। कई सारी बातें उनके द्वारा कही गई थी और इतिहास को दोहराया गया था। आज का जो पल रहेगा, क्षण रहेगा, मुझे लगता है कि और ज्यादा इमोशनल होने वाला है। सवाल तो रहा है अनूप, कल हमने तस्वीरें देखी थी कि किस तरह से कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी स्पीच के दौरान भावुक होते हुए नजर आए थे। हम ये माने कि आज का दिन और ज्यादा भावुक होगा, क्योंकि कल जिस तरह से इतिहास का जिक्र किया, तमाम बड़ी बातों का जिक्र प्रधानमंत्री द्वारा किया गया, और नेहरू के समय से सारी बातें जो याद की गईं, सोनिया गांधी को याद किया, राजीव गांधी को याद किया, राजीव गांधी को याद किया गया, अटल जी को याद किया गया। अब आज का क्षण और ज्यादा कहीं ना कहीं इमोशनल होता हुआ हमें नजर आएगा अनूप। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से आपको 2014 का वाक्या बताता हूँ कि जिस वक्त में BJP को प्रचंड जीत मिली थी और नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया गया था, उसके बाद जब पहली बार सदन में वो पहुंचे थे, संसद भवन पहुंचे थे, तो वो नतमस्तक होकर सबसे पहले सदन को उन्होंने प्रणाम किया था। यानी कि आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से एक भावनात्मक जुड़ाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जुड़ा हुआ है इस संसद भवन से। जाहिर तौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो पिछले कह सकते हैं कि 9 सालों से ही इस संसद भवन के सदस्य हैं, लेकिन उससे पहले जिस तरीके से हमने जिक्र किया कि कई ऐसे सांसद हैं जो 4 बार के सांसद हैं, कोई 5 बार के सांसद है, तो सोच लीजिए कि किस तरह की यादें जो हैं इन सांसदों की जुड़ी हुई होगी इस संसद भवन से। बहुत ही भावुक क्षण था। कल हमने देखा कि कई सांसदों ने अपने फोटो ट्वीट किए, अपने हल्के फुल्के लम्हों को उन्होंने बयां किया। सेंट्रल हॉल में किस तरीके से सांसदों का बैठना, किस तरह से उनकी बैठकी लगती थी, किस तरीके से बातचीत होती थी, इन सभी
बातों को उन्होंने बहुत ही हल्के फुल्के अंदाज में रखा। वाकई ये इमोशनल सांसदों के लिए है, लेकिन लेकिन इसके साथ ही सभी सांसदों का ये भी कहना है कि कल जो गणेश चतुर्थी के दिन, यानी कि आज गणेश चतुर्थी के दिन जब नए संसद भवन में सभी सांसद प्रवेश करेंगे तो एक नया इतिहास रचा जाएगा, एक नए युग की शुरुआत होगी, जब एक नए तेवर और एक नए तरीके से सभी सांसद नए तरीके से नए उमंग से कामकाज कर पाएंगे और जनता की सेवा कर पाएंगे। जी 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 अनूप, देखिए ये तो बात हुई नई संसद भवन की कि किस तरह से प्रवेश होगा और कितने उत्साहित और बाकी तमाम तरह की चीज़ें हमने जिक्र किया कि कैसे कल भी हुई थी। अगर हम आगे बात करें, ये भी माने कि श्री गणेश जिस तरह से संसद का होने जा रहा है वैसे महिला आरक्षण का भी आज ही होगा। बिल्कुल, देखिए ये जो विशेष सत्र है इसी मुद्दे को लेकर बुलाई गई है। जाहिर सी बात है कि सरकार ने पहले से तय कर लिए थे कि इन 5 दिनों में किन किन बातों को करना है जो इतिहास के पन्नों पर दर्ज हो जाए। यही वजह है कि कल 75 साल के संसदीय इतिहास पर सभी सांसदों और कह सकते हैं सभी राजनीतिक पार्टियों के नुमाइंदों ने अपनी चर्चा की और वहां पर राजनीति नहीं हुई, वहां पर सभी ने संवैधानिक अपने दायित्व का वर्णन किया, इसके अलावा संवैधानिक इतिहास का वर्णन किया, इसके अलावा अपनी यादों को उन्होंने साझा किए। वहां राजनीति नहीं हो रही थी, जिस तरीके से आपने भी जिक्र किया कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जवाहरलाल नेहरू का जिक्र करते हैं, इंदिरा गांधी का जिक्र करते हैं, डॉक्टर मनमोहन सिंह का जिक्र करते हैं, तो वहीं हमने देखा कि कांग्रेस की तरफ से अटल बिहारी वाजपेयी की तारीफ होती है। तो जाहिर सी बात है राजनीति से इतर जिस तरीके से इस सत्र को ऐतिहासिक बनाने की कोशिश की जा रही है उसी का नजरिया आप आगे भी देखेंगे जब महिला आरक्षण बिल पेश किया जाएगा और सरकार की कोशिश होगी, चूंकि ये ऐतिहासिक बिल है तो ऐसे में सत्ता और विपक्ष दोनों मिलकर इस ऐतिहासिक बिल के समर्थन में कह सकते हैं कि 100% समर्थन में आकर के इस बिल को पास करके इस सत्र को ऐतिहासिक बनाए। जी बहुत बहुत शुक्रिया अनूप जानकारी को साझा करने के लिए। आप लगातार नजर बना रखिएगा, आपसे अपडेट्स हम लेते रहेंगे। आगे बढ़ेंगे जगदलपुर से बड़ी खबर की बात करेंगे, जहां अपनी मांगों को मनवाने के लिए अतिथि शिक्षकों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बस्तर संभाग से करीब 2500 शिक्षकों ने सरकार से जॉब सुरक्षा गारंटी देने की मांग की है। नाराज शिक्षकों का कहना है कि अब तक 600 से ज्यादा अतिथि शिक्षक सरकार की नीतियों से प्रभावित हो चुके हैं। अगर 10 दिनों के भीतर उनकी मांगों पर विचार नहीं किया जाता है तो वो बस्तर सांसद दीपक वैज का आवास घेरने को मजबूर होंगे, साथ ही नेशनल हाईवे को भी जाम करेंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए श्रीनिवास हमारे साथ जुड़ गए। श्रीनिवास, अतिथि शिक्षक सरकार की नीतियों से प्रभावित होकर के कई सारी बातें कह रहे हैं, आखिर क्या है पूरा मामला, बताइए विस्तार से। देखिए अतिथि शिक्षक जो है बस्तर संभाग में लगभग 2500 के आसपास है और लगभग 600 जो अतिथि शिक्षकों को बाहर का रास्ता कर दिया है सरकार ने। अतिथि शिक्षक जो है संभाग के सभी एकजुट हो चुके हैं और वे सरकार से जॉब सुरक्षा गारंटी की मांग कर रहे हैं। उनकी जो जॉब है वो खतरे में, ऐसे में जो लगातार भर्तियां हो रही है उन भर्तियों में इन शिक्षकों को नहीं लिया जाएगा, ऐसे में ये सभी आंदोलन के मूड बना चुके हैं और जल्द ही बस्तर सांसद दीपक बैज के कार्यालय का घेराव करेंगे, एनएच को बाधित करेंगे। जो तमाम जो शिक्षक है उनकी बस एक ही मांग है सरकार से कि अतिथि शिक्षक जितने हैं जो जो कोविड काल में भी अपनी सेवा दे चुके थे उनको यथावत रखा जाए, उनको निकाला ना जाए और उनकी सेवा ली जाए। ऐसे में जो ये शिक्षक है इनको डर सता रहा है कहीं ना कहीं सरकार इनको बाहर का रास्ता दिखाएगी, इसलिए ये सभी अपनी जॉब सुरक्षा को लेकर मांग कर रहे हैं। जी देखिए जॉब सुरक्षा को लेकर के मांग तो इनके द्वारा की जा रही है, पर क्या रुख अभी तक कोई सरकार की ओर से? फिलहाल तो इस मामले को लेकर ये अपना जो ज्ञापन है ज्ञापन सौंपा है, सौंपने के बाद अल्टीमेट दिया है कि इतने दिनों में आप हमारी मांगों को विचार करें और मांगों को गंभीरता से लें और जितने अतिथि शिक्षक है उनको बहाल किया जाए। ऐसे में अगर ये मांग पूरी नहीं होती है तो आने वाले दिनों में बस्तर सांसद का घेराव करेंगे, एनएच को भी बाधित करने की चेतावनी अतिथि शिक्षक संघ द्वारा दी गई है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए। तो नेशनल हाईवे को जाम करने की चेतावनी अतिथि शिक्षकों द्वारा दी गई है, उनका कहना है साफ तौर से हमारी मांगों को मानो, अतिथि शिक्षकों ने मोर्चा खोल दिया है, बड़ी संख्या में अतिथि शिक्षक इकट्ठा हो चुके हैं
और मोर्चा उन्होंने खोल दिया है सरकार के खिलाफ। 2500 अतिथि शिक्षक हैं जिनको जॉब सुरक्षा गारंटी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अंबिकापुर की बात करते हैं। डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव का बड़ा बयान आया है, बीजेपी को इस बार 35 से 40 सीट जीतने की उम्मीद है। टीएस सिंहदेव ने ऐसा कहा, उन्होंने कहा कि पार्टी के बड़े नेता 35 से ज्यादा और आइए इस वक्त आपको लाइव तस्वीरें आपको दिखाते हैं। संसद भवन की तस्वीरें, फोटो शूट हो रहा है अंतिम विदाई की, ये अलविदा कहने की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। पुरानी संसद को अलविदा कहने का जो है सिलसिला अब शुरू हो चुका है। बड़ा ही भावुक ये पल है जब पुरानी संसद को अलविदा कहा जाएगा। जो 75 साल है, जो गौरवशाली इतिहास हमारा रहा है, उसे याद किया जाएगा और भावुक पल इसे हम कह सकते हैं। अलविदा कहना बड़ा ही मुश्किल होगा क्योंकि इतने सालों से इसी संसद में सभी कार्यवाहियाँ हुई हैं और सभी ने यहाँ पर बैठकर भाषण भी दिया है और चर्चाएं भी हुई हैं। अब समय आ चुका है इसे अलविदा कहने का और नए संसद भवन में प्रवेश करने का, श्री गणेश करने का। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं संसद भवन की। ये सत्र बड़ा ही विशेष है, नई संसद में प्रवेश की तैयारी अब हो चुकी है। पुरानी संसद में फोटोशूट चल रहा है, देखिए तस्वीरें, कैमरा वगैरह सब लगा है, सब तस्वीरें खिंचवाते हुए नजर आ रहे हैं। ये बेहद ही खास सत्र की तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं। तो अंतिम समय में जब संसद को अलविदा कहने का वक्त आ चुका है तो यादें भी इकट्ठा करना बहुत ज़रूरी है और इसी तरह से यादें इकट्ठा की जा रही हैं। पुराने संसद भवन में तस्वीरें खिंचवाई जा रही हैं कि इसे संजो कर रखा जाए बाद के लिए, कि हमारा आखिर कितना ये वक्त जो है अच्छा बीता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुँच चुके हैं, ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंच चुके हैं, बड़ा ही खास ये पल है। अब अलविदा कहने का समय जो है पुरानी संसद को आ चुका है, नई संसद में प्रवेश करने का वक्त आ चुका है। तस्वीरें आपको लगातार लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। अब वक्त हो चला है अलविदा कहने का, बड़ा मुश्किल ये वक्त है जब अलविदा कहना पड़ रहा है पुरानी संसद को, चूंकि लंबे वक्त से, लंबे अंतराल से यहाँ पर कार्यवाहियाँ चलती आ रही हैं और कई सारी यादें जो हैं यहाँ पर बन चुकी हैं। भावुक पल ऐसे हम कह सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए अनूप हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनूप, बड़ा ही भावुक पल ये होगा, अलविदा कहने का समय आ चुका है, प्रधानमंत्री भी पहुंच चुके हैं पुरानी संसद, फोटोशूट भी जारी है, जानकारी विस्तार से। बिल्कुल, देखिए बहुत ही भावुक पल है सभी सांसदों के लिए, क्योंकि लगातार हम भी जिक्र कर रहे हैं कि कई सांसद जो चार कार्यकाल से इस सदन में मौजूद रहे हैं, बहुत सारी यादें रही हैं। कल हमने खुद देखा कि किस तरीके से जो सांसद हैं वो सेंट्रल हॉल की हल्के फुल्के तस्वीरों को वो साझा कर रहे थे, किस तरीके से इस सदन में ही नोकझोंक हुआ करती थी। कल बहुत सारी बातें सांसदों की तरफ से कही जा रही थी और वाकई आज का दिन ऐतिहासिक है, भावनात्मक है। ये लंबे वक्त से, यानी कि कह सकते हैं कि आजादी के बाद से ही सांसद यहाँ मौजूद होते थे, बहुत सारी यादें कह सकते हैं सभी सांसदों की जुड़ी हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरीके से पहुंचे हैं, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और तमाम जो सांसदों को आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सांसद जो है वो यहाँ पहुंचे हैं फोटो खिंचवाने के लिए, क्योंकि ये यादगार फोटो होने वाला है। ये आज सेंट्रल हॉल और खास तौर पे जो पुराने संसद भवन है उसमें सांसदों के जमावड़ा का ये कह सकते हैं कि आखिरी दिन है, क्योंकि देखिए थोड़ी ही देर के बाद 11 बजे सेंट्रल हॉल में एक विशेष कार्यक्रम भी आयोजित की जाएगी। इस आयोजन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाग लेंगे, इसके अलावा उपराष्ट्रपति होंगे, लोकसभा अध्यक्ष उस कार्यक्रम को संबोधित करेंगे,
इसके अलावा सदन के नेता, सदन विपक्ष के नेता, लेकिन खास तौर पे आपको बताऊं कि इस विशेष कार्यक्रम के लिए मेनका गांधी, डॉक्टर मनमोहन सिंह और शिबू सोरेन को विशेष तौर पर आमंत्रित किया गया है। उन्हें उनको भी संबोधन करने का मौका दिया जाएगा, क्योंकि जहां एक ओर मेनका गांधी सबसे वरिष्ठ सांसद लोकसभा की हैं, वहीं डॉक्टर मनमोहन सिंह लंबे वक्त से राज्यसभा के सांसद रहे हैं और शिबू सोरेन सबसे वरिष्ठ सांसद के तौर पर है राज्यसभा और लोकसभा के तौर पर। तो आप समझिए कि ये वाकई कितने भावनात्मक वक्त होगा इन सभी सांसदों को लिए, सांसदों के लिए जो तकरीबन 10 साल, 15 साल और 20 साल से यहाँ के सदस्य रहे हैं। दूसरी तरफ बता दूं कि कई सांसदों का कहना है कि आज जरूर जो है वो संसद भवन बदल रहा है, लेकिन एक नए जोश से, एक नई प्रेरणा से, एक नए उत्साह से हम नए संसद भवन में जा रहे हैं, जहां पर एक नई ऊर्जा होगी, जहां पे काम करने की एक नई ललक देखने को मिलेगी। और जो चीजें यहां पे हुई है वो सारी चीजें दोहराई नहीं जाए, क्योंकि देखिए कई तरह के ऐसे भी अध्याय यहां देखने को मिला, कई आते हैं जो वाकई बहुत कह सकते हैं कि सही नहीं कही जा सकती है, उसके बावजूद चाहते हैं सांसद की किसी तरीके से नए संसद भवन में जाएं और एक नया उत्साह वहां पे मिले। अनूप, मैं ये भी चाहूंगी कि आप संक्षेप में थोड़ी सी जानकारी इस बारे में भी दीजिए कि कब आखिर राष्ट्रगान होगा, कब इसकी शुरुआत होगी, आगे की कार्रवाई कब तक शुरू होगी, कब तक सदन में सांसदों को लेकर के पहुंचा जाएगा, इस बारे में भी थोड़ी सी जानकारी। देखिए आपको बता दूं कि ये जो कार्यक्रम है वो थोड़ी देर के बाद, ये फोटो सेशन का जो कार्यक्रम है वो खत्म हो जाएगा और उसके बाद 11 बजे जो सेंट्रल हॉल में जो विशेष कार्यक्रम है उसकी शुरुआत होगी। और इस शुरुआत में जैसा कि हम आपको बता रहे थे कि इसमें तमाम जो वक्ता होंगे वो सदन को संबोधित करेंगे और जो यहाँ की यादें हैं, पुराने संसद भवन की जो यादें हैं उनको साझा की जाएगी। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ सभी सांसदों को एक पूरा किट दिया गया है जिसमें संविधान की कॉपी भी है। वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस कॉपी को हाथ में लेकर पुराने संसद भवन से नए संसद भवन पैदल ही जाएंगे और उनके पीछे पीछे जो सारे सांसद हैं वो संविधान की कॉपी लेकर वहां जाएंगे। एक 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 कह सकते हैं कि एक शपथ लेकर जाएंगे कि जो चीजें हैं उसको आगे बढ़ाया जाए, एक नए उत्साह के साथ जो है वो संवैधानिक मर्यादाओं को आगे ले जाया जाए। और फिर नए संसद भवन की कार्रवाई आज लोकसभा में 1:15 बजे से उसकी शुरुआत होगी और राज्यसभा में नए संसद भवन की कार्रवाई 1:15 बजे से शुरुआत हो जाएगी। देखिए जिस तरीके से कल कैबिनेट की बैठक में महिला आरक्षण बिल पर मंजूरी मिली है तो ये कहा जा सकता है कि जो संभावना जताई जा रही है कि नए संसद भवन की शुरुआत भी इसी बिल को टेबल करके किया जा सकता है। तो बड़ा दिन है, देखते हैं कि किस तरीके से चीजें आगे बढ़ती है और जो जो कड़वी यादें हैं, कह सकते हैं कि कड़वी यादें हैं, वो यादों को यहीं छोड़ करके जो एक सुखनुमा, क्योंकि कल जब चर्चा हो रही थी सदन में हमने देखा तो किस तरीके से सभी जो भी वक्ता थे उन्होंने किस तरीके से राजनीति से इतर संविधान के 75 साल पर चर्चा की, अपने विपक्षी पार्टियों के नेताओं की तारीफ की, जिस तरीके से हमने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंदिरा गांधी से लेकर जवाहरलाल नेहरू से लेकर के डॉक्टर मनमोहन सिंह की तारीफ की, उसी तरीके से हमने देखा कि विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी ने अटल बिहारी वाजपेयी की तारीफ की। तो इसी यही परंपरा आगे जाए, एक कंस्ट्रक्टिव चर्चा की शुरुआत नए सदन में हो, इसकी सभी जो है वो यहाँ कामना कर रहे होंगे कि इसी तरह का जो है वो भावनाएं जो है वो नए संसद भवन में हो। देखते हैं कि आगे किस तरीके से जो है ये ऐतिहासिक जो सत्र है वो कितना इतिहास के पन्नों पे दर्ज होता है, क्योंकि यकीन जानिए कि अगर महिला आरक्षण बिल इस विशेष सत्र में पास होता है तो वाकई ऐतिहासिक हो जाएगा। जी अनूप, यहाँ पर मैं चाहूंगी आप ये भी बताएं कि देखिए बिल को पेश करने की बात तो यहाँ पर कही गई है, साथ ही साथ 9 मुद्दों की लिस्ट जो है विपक्ष ने तैयार की है, क्या माने इस पर भी आज चर्चा हो सकती है या आने वाले दिनों में जो सत्र के दिन बचे हैं उसमें चर्चा होगी?
देखिए ये विशेष सत्र है, विशेष आयोजन के लिए बनाया गया है। इसमें क्वेश्चन आवर, शून्य काल जैसा कोई भी वक्त नहीं रखा गया है, जिसको लेकर के पहले से विपक्ष ने विरोध कर रखा है। स्पेशल सेशन किसी स्पेशल आयोजन की वजह से बुलाई जाती है, जैसा कि सरकार की तरफ से कहा गया था। 75 साल के संवैधानिक इतिहास पर चर्चा हो चुकी है, एक एजेंडा इस सत्र का रहा है। दूसरी तरफ है कि इस सत्र को किस तरह से ऐतिहासिक बनाया जाए, क्योंकि देखिए 27 सालों से महिला आरक्षण बिल जो है वो सत्ता के गलियारों में खाक छानती रही है। सभी सरकारों ने अपने अपने तरीके से कोशिश की, लेकिन उस बिल को पास कराने में किसी तरीके से नाकामी उनको हाथ लगी। एचडी देवगौड़ा के वक्त में इस बिल को पेश किया गया था, उनके वक्त में भी ये बिल पास नहीं हुआ। हालांकि आपको बता दूं कि जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी उस वक्त में भी कोशिश की गई, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भी कोशिश की। 2010 में इसको राज्यसभा में बहुत ही हंगामे के बीच इसको पास जरूर कराया गया था, लेकिन फिर भी ये बिल पास नहीं हो पाया, स्टैंडिंग कमेटी में भेजा गया। यकीन जानिए ये बहुत ही ऐतिहासिक बिल है, क्योंकि आधी आबादी को अगर आपको आगे बढ़ाना है, आपको 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 कंधे से कंधे मिलाकर के उन्हें आगे रखना है, तो महिला आरक्षण बिल बहुत ही जरूरी रही है, जिसकी मांग लगातार करी गई। अब देखना होगा कि सरकार अगर इस बिल को पास करा लेती है, क्योंकि देखिए सत्ता पक्ष इस बिल को लेके आएगी तो सत्ता पक्ष की तरफ से कोई विरोध नहीं है। कांग्रेस इस बिल का समर्थक रही है, बहुत पुरानी समर्थक रही है। तो ऐसे में छोटी मोटी राजनीतिक पार्टियों के बीच अगर कोई छोटी मोटी अगर कोई मांगे होगी तो संभावना है कि सरकार उस पर ध्यान दे सकती है। और देखना होगा कि ये बिल का प्रारूप क्या होता है, क्या क्या चीजें रहती है। 33% आरक्षण की बात कही जा रही है, कितने दिनों के लिए आरक्षण होगा, क्या आरक्षण के अंदर ही आरक्षण होगा, तमाम चीजें हैं। इस बिल के प्रारूप को देखने के बाद ही पता चलेगा जब ये बिल टेबल होगा, लेकिन इतना है कि अगर ये बिल पास होता है तो वो ऐतिहासिक होगा। जी ऐतिहासिक तो होगा। अनूप देखिए यहाँ पर सवाल ये भी उठता है कि कल विशेष सत्र की शुरुआत की गई और हमने शुरुआत में हंगामा देखा, अब क्या लगता है, ऐसी उम्मीद आज भी है क्या कि आज शांति से नए भवन में श्री गणेश करते समय शायद विपक्ष थोड़ा नरम पड़ जाए, शायद आज ना करे कोई हंगामा, या आज भी ऐसी स्थिति हो सकती है? देखिए ये सारी सियासी पार्टियां हैं, अपने अपनी सियासत करती हैं, और आपने देखा होगा जब महिला आरक्षण बिल सरकार की तरफ से लाया जा रहा है तो इस पे भी क्रेडिट लेने की होड़ मची हुई है, क्योंकि CWC की बैठक के बाद सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री को महिला आरक्षण बिल लाने की मांग की थी। और अब लगातार आप अगर टाइमलाइन जाएं बड़े बड़े नेताओं के, कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं के, तो उनका कहना है कि किस तरीके से राजीव गांधी ने पर एक गौर करने वाली बात यह भी है, जब संसद में पहुंची सोनिया गांधी तो उनसे जब सवाल किया गया महिला आरक्षण को लेकर तो उन्होंने कहा ये अपना है, तो जो ये अपना है उन्होंने कहा है, लगता है इस पर भी आगे हमें कुछ सियासत गरमाई हुई नजर आएगी? नहीं, सियासत गरमा चुकी है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये लीड लेने की, कौन आगे बढ़ता है क्रेडिट लेने के लिए, क्रेडिट लेने की होड़ में कौन आगे है, इसकी शुरुआत हो चुकी है। क्योंकि CWC की बैठक के वक्त ही सोनिया गांधी ने खत लिखा, और जिस तरीके से आप अगर देखें जयराम रमेश का ट्वीट देखें या फिर राहुल गांधी का ट्वीट देखें, तो आपको साफ लगेगा कि उनका उनका कहना है कि ये एजेंडा कि महिलाओं को आरक्षण मिले, ये एजेंडा तो कांग्रेस का एजेंडा रहा। लेकिन सत्ता पक्ष की तरफ से कहना है कि ये आरोप प्रत्यारोप का समय नहीं है। जिस तरीके से कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, आपने भी सुना होगा कि ये रोने धोने का वक्त नहीं है, ये इतिहास बनाने का वक्त है। ऐसे में ये रोने धोने का वक्त खत्म हो चुका है और इस पे क्रेडिट लेने की होड़ नहीं होनी चाहिए। अगर वाकई कांग्रेस का ये मुद्दा था तो फिर कांग्रेस क्यों नहीं सफल हो पाई महिला आरक्षण बिल को पास कराने में? कहीं ना कहीं कोई कमी तो रही, कहीं ना कहीं सभी पार्टियों को साथ। अनुप आप लगातार नजर बना रखिएगा, आपसे अपडेट लेते रहेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए।